मई चैनल एंड ओल्ड मतलब हेडो गाइस, सो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो आज है 26 अप्रैल। चलो समझते हैं इस मार्केट के अंदर मैंने जो है ये वाला जो मैंने ट्रेड प्लेस किया था, इस ट्रेड के अंदर मैंने जो है कैसे प्रॉफिट किया, क्या लॉजिक था, और इस पूरी मार्केट के अंदर आप जो है कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, पूरी एनालिसिस आप लोग को दूंगा, जिससे आप लोग को इसलैंड टीम के बारे में सब कुछ पता चलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे रोज मार्केट से पैसे कमा सकते हो। ओके तो चलो गाइस समझते हैं इस पूरी मार्केट को। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। एंड उसके बाद मार्केट ने एकदम धीरे धीरे से नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो एक सपोर्ट था। ओके और इस सपोर्ट के अंदर आपका जो फास्ट ट्रेड हुआ वो किस तरीके से आप बना सकते थे, वही फास्ट ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे किया। क्या फास्ट ट्रेड था चलो इसको समझते हैं। उससे पहले अगर अगर आप हम थोड़ा सा निफ्टी को समझोगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा थोड़ा सा फायदा होगा। क्या फायदा हुआ तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी सेम सिनारियो है। निफ्टी भी यहाँ पे जो है फ्लैट ओपनिंग दिया। फ्लैट ओपनिंग देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला एक जो है सपोर्ट था एंड क्लोजिंग प्राइस था, इसका ब्रेकआउट करके धीरे धीरे जो एक सेलिंग मोमेंटम में आ रहा था। ओके तो यहाँ पे हम लोग का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है तो ये वाला जो स्टॉप लॉसिस था इसको हम लोग तब लोग जो है तब हम लोग इसको टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तब बहुत दूर हो गया था। उसके पास जो नियरेस्ट जो जो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग एक्टिविटी करेंगे वो था ये वाला साइकोलॉजिकल नंबर। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर यानी कि सपोर्ट पे आके यहाँ पे होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा स्पाइक दे रहा है, तो यहाँ पे किसको मार्केट इनवाइट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट बायर्स को इनवाइट कर रहा है। तो जब यहाँ पे सब लोग बाय करेंगे, यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस जो नीचे क्लियर होगा, यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे क्लियर होगा, तो उनको हंट करने के लिए, उनको निकालने के लिए मार्केट जरूर नीचे आएगा। तो इसी मोमेंटम को सोचते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 42,000 का 700 का जो है मैंने पी को बाय किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1,000 तक का हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्रॉफिट दिखा। ओके और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मेरा देख सकते हो। ओके एंड उसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लोग देख सकते हो मैंने आज जो 66 पॉइंट ग्रैब किया। तो यहाँ पे कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि सर आप तो 100 पॉइंट जो है कैप्चर करते हो मिनिमम, अब तो मिनिमम 150 पॉइंट आप लोग आप कैप्चर करते हो, तो आप आज 66 पॉइंट के अंदर आप लोग जो क्यों निकल गया। ओके इसका भी आंसर आप लोग को दूंगा। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक जो है जो सपोर्ट था इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे चुका है और निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी में एक सपोर्ट था ये वाला जो डे लो का ये एक सपोर्ट था, निफ्टी ने इस सपोर्ट का अभी तक ब्रेकडाउन नहीं कर चुका। यानी कि यहाँ पे मैंने भी आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि एक इंडेक्स है निफ्टी, मान लो ये एक निफ्टी है ये बैंक निफ्टी। ओके बैंक निफ्टी एक सपोर्ट का जो है यहाँ पे क्या क्या ब्रेकडाउन कर चुका है और जो निफ्टी है वो अभी ब्रेकडाउन नहीं कर रहा, वो सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ऐसे सिनेरियो के अंदर जो सपोर्ट लेने वाला है वो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, यानी कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया, यहाँ पे निफ्टी जो है सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा एंड बैंक निफ्टी जिसने जो है ब्रेकडाउन दिया है वो वाला जो ब्रेकडाउन होगा वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर निफ्टी का साथ भी बैंक निफ्टी देगा। तो इसी को देखते हुए मेरे को पता था कि बैंक जो है बैंक निफ्टी ज्यादा गिरने वाला है नहीं, तो इसीलिए मैंने जो हाई डेल्टा वाला जो स्ट्राइक प्राइस चुना, ये जो स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया 42,700 का पी मैंने बाय किया, इसका जो है आप लोग बता सकते हो इसका जो डेल्टा था ये 18 था, इसी वजह से 66 पॉइंट के अंदर भी मेरा जो है 1000 के आसपास जो है मेरा प्रॉफिट मैंने देखा। ओके और इसी तरीके से आज मैंने काम किया। और आप लोग कहाँ पे काम कर सकते थे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी अच्छा तरीके से काम कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने पहले आप लोग ये वाला जो ट्रेड था ये वाला जो मूवमेंट था इसको भी आप लोग कैप्चर कर सकते थे। किस तरीके से कैप्चर कर सकते थे, सेम लॉजिक की बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है और निफ्टी सपोर्ट ले रहा है एंड उसके हिसाब से निफ्टी भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी, उसके बाद ही मार्केट ने फॉल किया। ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे ही फॉल किया, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ब्रेकडाउन किया उसके बाद थोड़ा सा सेलर को बुलाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे आया, थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, यानी कि पहले थोड़ा सा बायर को बुलाया, उसके बाद मार्केट ने इस स्पाइक में जो है यहाँ पे जो बाय कर रहा था उनको यहाँ पे निकाला, उसके बाद यहाँ पे स्पाइक के अंदर जो सेल कर रहा था उन लोगों को जो है लास्ट मोमेंटम के अंदर जो है निकाल दिया। ओके तो कुछ इस तरीके से जो है मैंने आज मार्केट के अंदर काम किया। आई होप कि आज भी आप लोगों ने भी इस तरीके से जो है काम किया होगा, आप भी अच्छी खासा जो है प्रॉफिट बनाया होगा। ओके चलो इसी तरीके से रहो, प्रॉफिट बनाते रहो मार्केट से, और
वो एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग स्टॉप लॉस अर्निंग सीखना चाहते हो, मेरी तरह प्रॉफिट करना चाहते हो, देखो मार्केट में एक दिन आपका आज मान लो लॉस हो गया, फिर कल प्रॉफिट हो गया, इसको मत देखो, आप लोग देखो कंसिस्टेंट, आप लोग एक महीने के अंदर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट को प्रॉफिटेबल रखो। एक महीने के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप लोग अच्छे कर रहे हो, अगर आप एक महीने के बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो, आप लोग लॉस कर रहे हो, तब आपको जो है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप लोग जो है किसी का अच्छा खासा कोर्स खरीद सकते हो, अच्छा खासा लर्निंग कर सकते हो, क्योंकि लर्निंग इज द की ऑफ द सक्सेस। ओके, आपको अच्छे खासे लर्निंग करना पड़ेगा। और अगर आप लोग स्टॉप लॉस अर्निंग सीखना चाहते हो, फ्री में सीखना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप लोग इसी चैनल का प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, वहां पर आपको स्टॉप लॉस अर्निंग बिल्कुल ही फ्री में सिखा जा रहा है, एकदम बहुत सारा वीडियो है, आप लोग उसको जाके वॉच करो, देखो स्टॉप लॉस अर्निंग सीखो। ओके, और फिबोनाची के ऊपर और भी एडवांस सेटअप में लाने वाला हूँ, ओके, जिससे आप लोग अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।